नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका सभी का स्वागत है। ये सॉयल साइंस का दूसरा चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। आपका आपका है सॉयल टेक्सचर, इसको हम लोग मृदा गठन भी कहते हैं हिंदी में। सॉयल टेक्सचर या मृदा गठन को समझने के लिए पहले हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक होता है प्राइमरी पार्टिकल, प्राथमिक कण, दूसरा है आपका सेकेंडरी पार्ट। द्वितीयक कण। देखिए प्राइमरी पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले। सेकेंडरी पार्टिकल में आपका आता है पेड, पेडान, क्लोड। ये आपके सेकेंडरी पार्टिकल होते हैं। तो मोस्टली आपके प्राइमरी पार्टिकल का आप मृदा गठन में आपका यूज है। तो सैंड, सिल्ट, क्ले क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, मृदा गठन है क्या ये जानेंगे, इनका साइज क्या हो, क्योंकि मृदा गठन में हम इनका साइज के बारे में ही जानते हैं, उसी को मृदा गठन कहते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए। मृदा गठन कहते हैं कि सैंड, सिल्ट, क्ले के अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। सैंड, सिल्ट, क्ले के अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। सैंड, सिल्ट, क्ले के अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। ये पहली परिभाषा बनी। अब देखिए इसी को थोड़ा चेंज करना है। तो आपको पता है सैंड, सिल्ट, क्ले को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पार्टिकल कहते हैं। तो यहीं पे ओआर करके कर सकते हैं कि प्राथमिक पार्टिकल के, प्राथमिक कणों के अनुपात को मृदा गठन कहते हैं। मृदा गठन कहते हैं। तो परिभाषा अपने आप बन सकती है। देखिए सैंड, सिल्ट, क्ले के अनुपात को मृदा गठन कहते हैं, और सैंड, सिल्ट, क्ले को हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं कि प्राथमिक कण। तो कहने का मतलब प्राथमिक कणों के अनुपात को भी हम मृदा गठन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तीसरी परिभाषा और हम इसको कहना चाहें तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मृदा के कणों के अनुपात को भी मृदा गठन कहते हैं, क्योंकि ये सभी मृदा के कण हैं। अब बात करते हैं मृदा कण किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। तो ये किसका एक रेशियो होता है, एक साइज होता है कि इतने साइज के कण होंगे तो मृदा गठन की संज्ञा में आएगा वरना नहीं आएगा। जैसे कि लेस देन 2 मिलीमीटर, ये साइज है, आकार। अगर किसी भी कण का साइज 2 मिलीमीटर से कम है तो वो मृदा के कण कहलाएंगे, अन्यथा की स्थिति में मृदा कण ना कहला के वो कंकड़ पत्थर की संज्ञा में आ जाएंगे। तो जिन भी कणों का साइज 2 मिलीमीटर से कम होता है उसे मृदा के कण कहते हैं। अब मृदा कण आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी कण। तो प्राथमिक पार्टिकल जो होते हैं वो सैंड, सिल्ट, क्ले हैं। सेकेंडरी पार्टिकल जो होते हैं पेड, पेडान, क्लोड होता है। तो प्राथमिक पार्टिकल जो होते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले, उनका हम लोग इसमें आकार के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक संस्था होती है IESS, IESS जो होती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। फॉलोड इन इंडिया, इसके अकॉर्डिंग 4 फ्रैक्शन बांटा गया, 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया सैंड, सिल्ट, क्ले का। अब देखिएगा सैंड, सिल्ट, आपके कण केवल 3 ही हैं। कौन कौन से हैं, देखिए सैंड है, सिल्ट है, क्ले, लेकिन इसके आधार पे 4 होते हैं। 4 क्यों होते हैं, क्योंकि सैंड का 2 भागों में इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया है। एक होती है कोरस सैंड, कोरस सैंड, दूसरी है फाइन सैंड, और फिर आपकी है सिल्ट, और फिर है आपकी क्ले। इन चारों का आपको साइज पता होना चाहिए, क्योंकि यही साइज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता है कि मृदा के कण वही होंगे जिनका साइज लेस देन 2 मिलीमीटर होगा, मतलब 2 मिलीमीटर से कम का जिसका साइज होगा वही सॉइल के पार्टिकल कहलाएंगे। तो आपको अमूमन तौर पे इतना तो जानकारी हो गई होगी कि जो भी इनका साइज होगा, क्योंकि ये मृदा के कण हैं, और मृदा के कण हैं तो इसका मतलब है मोटा मोटा तौर पर कि 2 मिलीमीटर से साइज तो कम होगा ही होगा, तभी ये मृदा कण कहलाते हैं। अब समझिए स्टार्टिंग हम लोग 2 से करेंगे, क्योंकि हमारा साइज 2 से कम होता है।
तो 2 से 0.2 मिलीमीटर कोरस सैंड के साइज होता है, 0.2 से 0.02 मिलीमीटर, 0.02 से 0.002 मिलीमीटर, और क्ले होता है लेस देन 0.002 मिलीमीटर। देखिए इसका भी एक फंडा होता है याद करने का, ऐसे तो पॉइंट में वैल्यू नहीं याद होती है लेकिन हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इस जो लाइन पे कोरस, कोरस के बाद फाइन, फाइन के बाद सिल्ट, सिल्ट के बाद क्ले, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको याद अच्छी तरीके से ऐसे याद हो सकता है जैसे आपको पता है कि मृदा के प्राथमिक कण सैंड सिल्ट क्ले होते हैं, तो हमने सैंड सिल्ट क्ले लिख लिया। अब सैंड के दो भाग होते हैं, एक होता है कोरस मोटी वाली बालू मृदा और एक होता है पतली वाली बालू मृदा। तो ये मोटी वाली है, ये पतली वाली, बस सैंड को, बालू को हमने दो भाग में बांट दिया, कोरस सैंड फाइन, मोटी वाली पतली वाली, और सिल्ट और क्ले को उसी तरह उतार के रख दिया। तो ये सैंड सिल्ट के लिए आपका हो गया, इधर का सीक्वेंस आपको याद हो गया। अब इधर देखिए, 2 से स्टार्टिंग इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है कि मृदा का कण 2 मिलीमीटर से कम होगा वही मृदा कण कहलाएंगे, और ये मृदा के कण के संज्ञा में आता है इसलिए हम इसकी स्टार्टिंग 2 से करेंगे। तो 2 से का मतलब है 2 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसमें फंडा ये चलता है कि जो वैल्यू ये इधर लिखी है सेम वैल्यू इधर लिखेंगे लेकिन दशमलव में 1 दशमलव बढ़ा के लिखेंगे। तो 2 था तो 2 को 0.2 लिख दिया। अब इधर वाली वैल्यू को सेम इधर उतार लेंगे और जो इधर वैल्यू आएगी उसमें 1 दशमलव बढ़ा के फिर लिखेंगे। तो 0.2 मिलीमीटर था, 0.2 को हमने 0.2 यहाँ पे उतार लिया सेम वैल्यू, और इसी में 1 दशमलव ऐड करके फिर बढ़ाया तो 0.02 मिलीमीटर हो गए। फिर इस वैल्यू को जब इधर लेंगे तो पूरी सेम वैल्यू यहाँ पे उतार लेंगे, 0.02 था, 0.02 को यहाँ पे उतार लिया। इस वैल्यू को सामने लिखेंगे तो सामने फिर हम 0.02 बढ़ा के लिखेंगे, 0.02 मिलीमीटर हो गए। फिर इस वैल्यू को सेम यहाँ उतार लेंगे, आगे कुछ आगे है नहीं तो यहीं पे हम लेस का चिन्ह लगा देंगे, इसका मतलब होता है कम। एक बार फिर समझेंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो वैल्यू से हम फिर समझाते हैं आपको। देखिए स्टार्टिंग होगी 2 से इसलिए होती है कि कोई पूछ ले कि क्यों होती, तो भी उसका एक आंसर है कि 2 से इसलिए होती है क्योंकि 2 मिलीमीटर से कम का साइज होना चाहिए इसलिए 2 से करेंगे। तो 2 यहाँ पे लिखा, अब इसके आगे वैल्यू यही वैल्यू लिखेंगे सेम वैल्यू लेकिन इसमें 1 दशमलव बढ़ा के लिखेंगे, 0.02 लिख दिया, मिलीमीटर है मिलीमीटर लिख दिया। अब इस वैल्यू को सेम उतार लेंगे यहाँ पे, तो 0.02 उतार लिया। अब हमको इसके आगे ही लिखना है तो इसी वैल्यू पे 0.02 बढ़ा के लिखेंगे, तो 0.02 था तो 0.02 हो जाएगा। फिर 0.02 है तो इस वैल्यू को सेम फिर यहाँ उतार लेंगे, तो 0.02 यहाँ उतार लिया हमने, और इसमें आगे फिर हमको लिखना है तो इसमें 1 दशमलव बढ़ाएंगे तो 0.002 हो जाएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर यूनिट हो जाएगी। फिर इसको हम सेम यहाँ उतार लेंगे, 0.002 मिनट उतार लिया। अब आगे कुछ है नहीं तो यहीं पे हम लेस का चिन्ह लगा देंगे, लेस का मतलब है इससे कुछ कम वैल्यू ही आएगी, 0.002 मिलीमीटर से कम, तो ये हम लिखा दें। अच्छा कुछ कन्फ्यूजन होता है चिन्हों में कि कौन सा लेस का है कौन सा मोर का है, तो हम आपको समझा देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लेस, लेस का मतलब होता है कम। ये जो पहला अक्षर लिखा है आपको समझ में आ रहा होगा एल है, मतलब L से स्टार्टिंग होती है, तो कहने का मतलब जिस भी चिन्ह का आकार L साइज का होगा वो कम को दर्शाएगा, बस इतना याद रखिए। इसका अपोजिट जो होगा वो ज़्यादा होगा। जिस भी कोई भी अगर आकार आपको चिन्ह में मिल रहा है उसको पहचानना है, जिस भी चिन्हों का आकार L शेप का होगा तो L से होगा तो समझ आइए वो कम को दर्शाता है, क्योंकि आज के एग्जाम में जो पैटर्न आ रहा है ऑप्शन में वो कम लिख के नहीं आएगा, चिन्हों के आधार पर आता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हर साल, इन्हीं का मतलब ये आउट क्वेश्चन होता है। केले का साइज हर बार, आप चाहे यूपी कार्ड का दीजिए चाहे आईसीआर का दीजिए चाहे बीएचयू दीजिए, केले का हर एक आप सीक्वेंस पेपर उठा के देख लीजिए, सॉयल साइंस में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, केले का साइज बताइए, चिकनी मिट्टी या केले का आकार बताइए। तो ये आपको याद रखना है। तो बस आपको ये 4 आकार इसमें याद रखने, कोरस एंड फाइन सिल्ट केले, अगर ये आकार आपको याद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। मृदा गठन में एक होता है कि मृदा गठन बदलता है कि नहीं बदलता है, मृदा संरचना से कंपेरिजन करते हैं हम लोग, क्योंकि संरचना हमेशा बदल जाती है मृदा गठन कभी नहीं बदलता। वे स्टेटमेंट है एक प्रकार का कि मृदा गठन कभी चेंज नहीं होता है ना बदलता है लेकिन मृदा संरचना बदल जाती है। उसका तरीका यह होता है कि मृदा गठन इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि मृदा गठन में हम लोग उसका आकार या परसेंटेज देखते हैं कि सैंड सिल्ट के लिए है तो कितने परसेंट में पाई जाती है, और मृदा संरचना का मतलब होता है उसका आकार बदल जाती है। जैसे कि कोई भी आपकी मृदा इस तरह ऊंची नीची थी, ये आपकी कोई भी प्लाट है, आप इसका सैंपल लिया, सैंपल में चेकिंग कराया तो 20% सैंड आई, 30% के लिए आई, मान लीजिए इस तरह के आपके सैंपल में आफ्टर सैंपलिंग के बाद ये आया। लेकिन जब इसी मृदा को हम लेवलर के माध्यम से बिल्कुल एक प्लेन खेत बना दिया फिर इसमें सैंपलिंग की गई
तो उतनी परसेंट में बालू आएगी जितनी परसेंट में पहले आई थी। कहने का मतलब है बालू की मात्रा जो पहले थी वो अभी भी रहेगी, लेकिन हमने इसकी संरचना में केवल परिवर्तन कर दिया। कहने का उद्देश्य है कि मृदा संरचना बदलती है और मृदा गठन कभी बदलता नहीं है, क्योंकि मृदा गठन का मतलब होता है जो भी जिस परसेंटेज में जो मात्रा पाई जाती है वो कभी बदलेगी नहीं। 20% बालू पहले पाए जा रहे थे तो 20% बालू बाद में भी पाई जाएगी। अब है मृदा गठन मापन की विधियाँ। इसकी दो विधि होती है मापन की, एक होता है सॉयल टेक्सचर ट्रायंगल डायग्राम मेथड, सॉयल टेक्सचर ट्रायंगल डायग्राम मेथड, त्रिभुजाकार विधि, मृदा गठन की त्रिभुजाकार विधि, और दूसरी होती है फील्ड टेस्ट मेथड। फील्ड टेस्ट मेथड, फील्ड टेस्ट का मतलब होता है आभासी विधि, आभास करके बताना। ध्यान से समझिएगा इसमें होता क्या है। इस विधि को हम लोग प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट, सॉयल टेक्सचर ट्रायंगल डायग्राम मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि के नाम से जानते हैं। इस विधि को सर्वप्रथम मार्शल ने दिया था, और भी साइंटिस्ट थे, मार्शल थे, प्रेस्कॉट थे, टायलर थे, ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको हम नाम दिया था सॉयल टेक्सचर ट्रायंगल डायग्राम मेथड को। मार्शल, प्रेस्कॉट और टायलर ने, ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन या नाम दिया था। इसमें अगला पॉइंट होता है, इसमें 12 कंपोनेंट या 12 अवयव की आवश्यकता होती है मापने के लिए, पहली। उसके बाद अगला पॉइंट होता है कि यह एक, इसमें टाइम अधिक लगता है, इस मेथड में टाइम अधिक लगता है, और ये मात्रात्मक विधि होती है, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव मेथड होती है। इतने पॉइंट आपको इस विधि में याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इस त्रिभुजाकार मृदा गठन की त्रिभुजाकार विधि को प्रयोगशाला विधि के नाम जानते हैं। इसको सर्वप्रथम मार्शल, प्रेस्कॉट या टायलर ने दिया था। इसको मापने के लिए 12 अवयव की आवश्यकता होती है या 12 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट होता है, इसमें टाइम अधिक लगता है, और यह मात्रात्मक विधि। टाइम अधिक इसलिए लगता है क्योंकि ये प्रयोगशाला में प्रयोग की जाती है, और कोई भी विधि प्रयोगशाला में की जाती है उसमें टाइम अधिक लगता है, लेकिन रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है। तो अगला पॉइंट इसमें हो जाता है कि मृदा गठन मापन की सबसे सटीक विधि है, मृदा गठन मापन की सबसे सटीक विधि है। टाइम अधिक जरूर लगता है, लेकिन जो भी रिजल्ट देगा विल एक्यूरेट भी देगा, तो इसे एक्यूरेट विधि भी कहते हैं। अब दूसरी विधि हम लोग कहते हैं फील्ड टेस्ट मेथड, आभासी विधि। आभासी का मतलब होता है महसूस करके देखना। तो इसको सर्वप्रथम किसने दिया था, ये भी याद रखेंगे। इसको सर्वप्रथम पिट्ज एंड पैट्रिक ने दिया था। पिट्ज एंड पैट्रिक ने सर्वप्रथम इसको खोजा था या दिया था। इसको हम तीन पैमाने के तौर पर इसको मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि तीसरा है, एक तो है बॉयल फॉर्मेशन करके, गेंद बना करके, और फील एंड फिंगर, फील एंड फिंगर उंगलियों से महसूस करके। तीसरा है मिट्टी की सुतली के आकार की संरचना बना करके। अब देखते हैं रबर फॉर्मेशन, इसको हम लोग रिवर फॉर्मेशन इसको हम लोग बोलते हैं, रिवर फॉर्मेशन समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं, डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं। गेंद बनाने का मतलब है कि थोड़ी सी गीली मिट्टी लेंगे, जो ओट वाली मृदा होती है, उसको हम लोग एक गेंद बनाएंगे, गेंद संरचना, गोला के संरचना के आकार का बनाएंगे। उससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं कौन सी मृदा हो सकती है। अगर मिट्टी को उठाया, उसको हम लोग गेंद बनाया, तो गेंद बना के देखते हैं कि अगर उसको सूखने के बाद या उसको मॉइस्चर हटने के बाद, धूप में रखने के बाद अगर परमानेंट उसका गेंद बन जाता है, तो कहने का मतलब है वो क्ले नेचर की मृदा है। अगर मिट्टी का गोला बना रहे हैं, बनाते बनाते जब तक उसमें मॉइस्चर है, जब तक उसमें पानी है, तब तक बनता है, जैसे धूप में रखे बाद में फूट जाता है, तो इसका मतलब वो सैंडी सॉइल है। ये पहचान है सैंडी नेचर, सैंडी मिट्टी का आप कभी भी गोला बनाएंगे कभी बन ही नहीं सकता, बालू का कभी गोला बन ही नहीं सकता, जब तक पानी रहेगा तब तक बनेगा, वरना जैसे धूप में आएगा वैसे छूट जाएगा। लेकिन अगर तालाब की मिट्टी है, उसका गोला आपने बना लिया, तो परमानेंट बन जाता है। तो ये पहचान होती है। तो पहला फॉर्मेशन होता है बॉल फॉर्मेशन है, गेंद बना के देखते हैं तो उसमें चेक हो जाता है, गेंद बन जाता है तो काली मिट्टी या क्ले नेचर की सॉइल है, गेंद नहीं बनता है तो वो सैंडी नेचर सॉइल है। ये आभासी विधि से हम लोग पहचानते हैं। दूसरा है फील ऑन फिंगर।
मतलब है उंगलियों के माध्यम से आभास करके बता देना, फील करके बता देना। तो जैसे कोई मिट्टी गीली उठाई और उंगली में रख के ऐसे रबरिंग किया, रगड़ा, रगड़ने से अगर उसमें चिकनाहट महसूस होती है तो चिकनी मिट्टी है, मतलब क्ले। अगर उसमें किरकिराहट महसूस होती है तो इसका मतलब है वो बालू मृदा। तीसरा फॉर्म होता है रिवर फॉर्मेशन, मतलब एक फीते के आकार की संरचना बनाए मिट्टी को। मिट्टी के अगर फीते आकार संरचना बनाते हैं, यदि मिट्टी का फीते आकार संरचना बन जाती है तो वो क्ले नेचर की सॉइल हो गई, यदि नहीं बनती है तो सैंडी नेचर की सॉइल हो गई। ये तो एक पहचानने का तरीका है, लेकिन क्वेश्चन क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। इसमें उसमें 12 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, इसमें 8 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, मतलब 8 अवयव को की आवश्यकता होती है। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, टाइम कम लगता है उसमें, टाइम अधिक, क्योंकि मिट्टी को देखा, गेंद बनाया, तुरंत बता दिया, तो टाइम कम लगता है। ये क्वालिटेटिव मेथड होती है, मतलब गुणात्मक विधि है। क्वालिटेटिव मेथड है, गुणात्मक विधि है। और अगला पॉइंट होता है कि यह सटीक विधि नहीं है, मापन की सटीक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें बता तो देते हैं, सटीक विधि नहीं है। कहने का उद्देश्य यह है कि इसमें हम मिट्टी को तो बता देंगे कि ये सैंडी है क्ले, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कितने परसेंट सैंड है कितने परसेंट क्ले। ये परसेंटेज में जो बताएगा वो केवल प्रयोगशाला विधि बताएगा। तो ये सॉयल टेक्सचर की मापन की 2 विधियाँ थी, जिसका नाम सॉयल टेक्सचर टेंगल डायग्राम मेथड या मृदा गठन की त्रिभुजाकार विधि। दूसरी थी आभासी विधि, इसको फील्ड टेस्ट मेथड के नाम जानते हैं, ये इसको प्रयोगशाला विधि के नाम जानते हैं। इसको सर्वप्रथम मार्शल पुरस्कार टायलर ने दिया था और इसको पिट जैन पैट्रिक ने दिया था। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे, इन्हीं में से जो क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके इस लेक्चर के माध्यम से जो दिया जा रहा है, कोई बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी, आप चाहे ICER के एग्जाम दीजिए या BHO के दीजिए या आने वाला UP कैट के एग्जाम दीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका इन सब्जेक्ट से, सवाल सेंस से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो अगर ये आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताने की कृपा करें। धन्यवाद।